हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी सहारा पीड़ित निवेशक साथियों का हमारे एसटी न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत लेटेस्ट न्यूज लेकर आए हैं। दोस्तों, हमारे पास एक कमेंट आया है कमल सिंह जी का। उनका कहना है कि सहारा इंडिया कंपनी में कोई एजेंट काम ना करे, कोई निवेशक फालतू का एक रुपया भी ना दे। एजेंट व्यवसाय नहीं करेंगे तो सारा इंडिया कंपनी अपने आप ही बंद हो जाएगी। आगे कहते हैं कि जमाकर्ताओं का जो भी पेमेंट है, सुब्रत राय को नंगा करके, सुब्रत राय का काला मुंह करके, और आगे कहते हैं उनके गले में जूतों की माला पहनाकर, गधे पर उल्टा बिठाकर, उनका बिठाकर फिर सुब्रत राय को जूतों की माला डालकर उनका जुलूस निकाला जाए। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ बता दूँ, कमलेश सिंह जी आप शायद नहीं जानते, बहुत भोले भाले हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि सारा सुब्रत राय ने एजेंटों को इस वक्त फांस रखा है, क्योंकि एजेंटों की 8-8 महीने, 10-10 महीने तक, और यहाँ तक कि 18 महीने तक की कमीशन रोक कर बैठा है। उसके कमीशन रोकने का मुख्य कारण यही है कि उनके द्वारा अब वो इलेक्ट्रिक बाइक को सेल करवाने पर उतरा हुआ है। क्योंकि दोस्तों, सारा सुब्रत राय एक ऐसे माइंडेड इंसान है जो इंसानों को, जी हाँ दोस्तों, इंसानों का उल्लू बनाना अच्छी तरीके से जानते हैं। यहाँ एजेंटों के लिए उन्होंने एक तरह का ब्लैकमेल करने के लिए ये पैसा रोक रखा है, और एजेंटों को इस वक्त जो उनके पिछलग्गू एजेंट हैं, तो उन एजेंटों को इस वक्त वे बाइक बेचने के नए नए तरीके बता रहे हैं, और उन तरीकों को बाकायदा मीटिंगों के माध्यम से उनको ट्रेंड किया जा रहा है। अब कमल जी का यहाँ कहना है कि वे व्यवसाय ना करें, तो मेरे भाई व्यवसाय तो वैसे ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त एजेंट फंसे हुए हैं, क्योंकि उनका पैसा प्लस जो निवेशकों का पैसा उन्होंने सारा की इकाइयों में जमा कराया था, उसका प्रेशर निवेशकों ने इतना डाल रखा है कि एजेंट बहुत परेशान है। और इस वक्त वो क्या कर रहे हैं, ये सब हम आपको अपनी वीडियो के माध्यम से दिखाते रहते हैं। तो दोस्तों, हमारा कहने का मतलब ये है कि सहारा निवेशकों से लेकर सहारा के एजेंट परेशान हैं, लेकिन दोस्तों, सबसे ज़्यादा मार इस वक्त एजेंटों पर पड़ रही है, क्योंकि उनको दोहरी नीति का शिकार होना पड़ रहा है। इधर सहारा ने उनकी पेमेंट रोक रखी है, और इधर निवेशकों की पेमेंट सहारा नहीं दे रहा। तो इस वक्त एजेंट बीच में पिसता नजर आ रहा है, और अब इस वक्त एजेंट जागरूक हो चुका है। उसने सभी सीएससीओ पर अपना धावा बोल रखा है, और वह उनको बंधक बनाकर, जी हाँ दोस्तों, एजेंट इकट्ठे होकर इनकी ऑफिसों को बंधक बनाया जा रहा है, और इनके जितने ऑफिसर हैं उनको प्रगणित किया जा रहा है। 2 दिन से दोस्तों, गोरखपुर में ब्रांच चौक पर जो इस वक्त एजेंटों ने ऑफिस में बैठे हुए जितने भी कर्मचारी हैं उनको बंधक बनाया हुआ है। तो दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ हमने अपनी पिछली वीडियो में बिल्कुल सीधे सीधे दिखाई है कि इस वक्त क्या कार्यगुजारी एजेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा आपसे यही कहना है कि एकता में बल है और धैर्य बहुत हो चुका, अब धैर्य का वक्त नहीं है, अब ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा जैसे गोरखपुर के ये एजेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ आपको एसटी न्यूज़ चैनल से दी जा रही है, आप लोगों को जागरूक करने के लिए कि निवेशक भाई अपने एजेंट भाइयों को परेशान ना करे, क्योंकि एजेंट भाइयों ने आपके पैसे अपनी जेब में तो रखे नहीं है, उन्होंने सीधे सीधे कंपनी में लगाए, और बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसका इन्हें भी अंदाज़ा नहीं था दोस्तों, और हमें भी अंदाज़ा नहीं था कि सरकार इनके साथ इतना बड़ा फ्लॉट करेगी। तो दोस्तों, सारा सुब्रत राय की गलती यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इसने अगर 2012 में ही
इन दोनों कंपनियों के पैसे दे दिए होते जो इसकी दो कंपनियां सेबी विभाग ने बैंड की थी। लेकिन दोस्तों सुब्रत राय ने अपनी चालाकी में ज्यादा पैर दिया, जिसके कारण वो खुद भी जेल गया, इधर निवेशकों को परेशानी है और इधर एजेंटों की गले में फांसी लटकी हुई है। जी हाँ दोस्तों, जाने कितने एजेंटों ने तो अपनी खुदकुशी भी कर ली। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अच्छी कोई नई अपडेट लेकर, कुछ अच्छा आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए यूएस खान को दे इजाजत, धन्यवाद।